गेट 2018 14 मार्च को जारी होगी फाइनल आंसर की, इस दिन आएगा रिजल्ट। गेट 2018 की फाइनल आंसर की अगले हफ्ते 14 मार्च को जारी हो सकती है। पिछले महीने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, जिसके बाद उम्मीदवारों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब IIT गुवाहाटी 14 मार्च को इसकी फाइनल आंसर की जारी करेगी। आंसर की के बाद 17 मार्च को परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इंजीनियरिंग के लिए होने वाला ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट 2018 की आंसर की अगले महीने जारी हो सकती है। खबरों के अनुसार गेट 2018 की आंसर की अगले हफ्ते 14 मार्च को जारी होगी। IIT गुवाहाटी 14 मार्च को आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की आंसर की जारी करेगी। इससे पहले पिछले महीने प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, वहीं परीक्षा के परिणाम 17 मार्च को जारी हो सकते हैं। परीक्षा के परिणाम भले ही 17 मार्च को जारी होंगे, लेकिन किस वक्त घोषित किए जाएंगे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उम्मीदवार 17 मार्च को वेबसाइट चेक करते रहें। हालांकि गेट 2018 के स्कोरकार्ड 17 मार्च को उपलब्ध नहीं होंगे। उम्मीदवार 20 मार्च को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो 3 साल तक के लिए मान्य होता है। रिजल्ट देखने और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम GOAPS में लॉगिन करना होगा। इसके लिए उम्मीदवार upsgate.eet.ac.in पर जाएं और लॉगिन करें। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।